नमस्कार, मैं हूं नवजोत। आप देख रहे हैं आई बिन सेवन। खबरों की शुरुआत करेंगे गुजरात के अहमदाबाद में। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने अहमदाबाद के कनबा इलाके से 250 करोड़ की ड्रग्स बरामद की है। पुलिस के मुताबिक ड्रग रैकेट के पीछे पूर्व विधायक भाव सिंह राठौर के बेटे किशोर राठौर का हाथ है। किशोर राठौर हालांकि अभी फरार है। पुलिस ने किशोर के दोस्त नरेंद्र को पकड़ लिया है। पुलिस के मुताबिक ड्रग रैकेट के तार पोलैंड और एम्स्टर्डम से जुड़े हुए हैं। जनक दवे हमारे साथ मौजूद। जनक, हम आपसे जानना चाहेंगे, हालांकि विधायक का बेटा अभी तक फरार है, लेकिन ये बताएं कि और क्या जानकारी इसके बारे में मिल पाई है? पूर्व विधायक ने कुछ बताया है? देखिए, इस मामले में अभी अहमदाबाद क्राइम ब्रांच और गुजरात ATF दोनों छानबीन कर रही है और लगातार छापेमारी जारी है उनके मोबाइल लोकेशन के आधार पर कि इसका जो भाव सिंह राठौर का बेटा है वो फिलहाल अभी किशोर कहाँ छुपा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर नवजोत यह है कि 270 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा जाना शायद भारत के इतिहास में पहली ऐसी कोई घटना होगी इतने करोड़ का एक साथ मुद्दामाल पकड़ा जाता हो। और जो जानकारी आ रही है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज्वाइंट कमिश्नर अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने, उनके मुताबिक इसके तार अंतर्राष्ट्रीय माफियाओं से जुड़े हुए हैं और उन अंतर्राष्ट्रीय माफियाओं के भी नाम भी सामने आए हैं, जांच में उनके नाम भी सामने आए हैं, लेकिन उन तक पहुंचने की कोशिश में है अहमदाबाद क्राइम ब्रांच और ATF, जिसके चलते उन नामों का खुलासा नहीं कर रहा। लेकिन जहां जहां पब पार्टी चलती है, जहां कल्चर है लेट नाइट पार्टियों का, वहां हर शहरों में यहां से ड्रग पहुंचाई जाती थी। न कि केवल भारत बल्कि एम्स्टर्डम और पोलैंड में भी जहां पर लेट पार्टियों का जो कल्चर है, पब कल्चर है, वहां पर ये ड्रग्स वहां पहुंचाई जाती थी। और अंतर्राष्ट्रीय माफियाओं की एक बैठक इन फिलहाल कुछ दिनों पहले दुबई में और उसके बाद गोवा में हुई थी और उसके बाद ये ड्रग्स को वहां पहुंचाया जाना था। इसका कंसाइनमेंट है वो महाराष्ट्र के सोलापुर से अहमदाबाद आया था और यहां से मॉडिफाइड उसको करके वर्जन में अलग दवाइयां बनाकर इसको पहुंचाना जाना था। उसको एफेड्रिन नाम का ड्रग्स बताया जाता है जिसकी गोलियां बनाई जाती थी और उसको उसके बाद यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाना था। लेकिन गुजरात ATF के पास पहले से इसकी जानकारी थी और कल देर रात को छापेमारी की गई। उसके बाद FSL के अधिकारियों को मौके पर बुलाया गया और तब जाके पुख्ता हो पाया कि एफेड्रिन ड्रग है जिसको यहाँ पहुंचाया जाना था। और रात ही जहाँ पर भी छापेमारी की गई वहां से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया जो पूर्व जो विधायक है भाव सिंह राठौर उसका बेटे का दोस्त है और उसने ये पूरी पूछताछ में इस बात का खुलासा किया। और भी कई नाम है जिसको लेकर फिलहाल क्राइम ब्रांच ने चुप्पी साध ली है, लेकिन कह सकते हैं कि अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा खुलासा गुजरात पुलिस ने किया और खासतौर पर अंतर्राष्ट्रीय माफियाओं से जुड़ा हुआ ये मामला है। ऐसे में आने वाले दिनों में और भी बड़े नाम इस मामले में खुल सकते हैं। नवजोत जी, आप बनाए रखिए नजर इस पूरी खबर पर और इंतजार इसी बात का भी है कि और कितने नाम इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि अगर ये पूरा रैकेट अंतर्राष्ट्रीय गिरोह से भी जुड़ा हुआ है तो जाहिर से बात है कि हिंदुस्तान में सिर्फ एक नाम नहीं होगा, यहां पर भी एक बड़ा रैकेट होगा जो कि काम कर रहा होगा। बहुत शुक्रिया जनक आपका इस पूरी जानकारी के लिए।